2024 के चुनावों में बेहद ही कम वक्त बचा है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में फुल एक्टिव हैं। वहीं यूपी की सीटों को लेकर भी एक सर्वे आया है जिसने विपक्षी पार्टियों की नींदें उड़ा दी हैं। सी वोटर और इंडिया टुडे ने मूड ऑफ नेशन नाम से एक सर्वे किया है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आम लोगों से राय ली गई है। सर्वे में बीजेपी को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक है। अखिलेश और मायावती ने पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़ा था जिसके चलते दोनों की नाक बच गई थी, लेकिन इस बार के सर्वे के मुताबिक दोनों का सूपड़ा साफ हो सकता है। बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव में 64 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इसमें 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी जबकि 2 सीटें अपना दल सोनीलाल के खाते में आई थी। समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में मैदान में थे। इसका नतीजा ये रहा कि बसपा को 10 सीट मिली जबकि सपा को 5 सीटें ही मिल सकी थी। एक सीट कांग्रेस को भी मिली थी। सपा बसपा के साथ आने के बावजूद 2019 में बीजेपी को 49% वोट मिले थे। इस बार यूपी का समीकरण बदला है। सपा और बसपा की राहें अलग अलग हैं। इसका असर सीटों पर भी पड़ सकता है। जनवरी 2023 में जारी एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 70 सीटें मिल रही हैं। 5 साल में बीजेपी की सीटें यूपी में बढ़ी हैं। 70 सीटें एनडीए के खाते में जाने के बाद सिर्फ 10 सीटें ही बच रही हैं, जिसमें सपा बसपा और कांग्रेस में बंटवारा होना है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए नाक बचाना भी मुश्किल लग रहा है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी। लोगों ने एनडीए के पक्ष में बहुमत दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 298 सीट मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को फायदा होता दिखा है। यूपीए को 153 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।